तीन कदम उधर चलेंगे बच्चिया, तीन कदम और एक कदम बस, और अब चार कदम आप इधर आओ, बस एक कदम की रास्ता छोड़ देना। आए सर, जोरदार तालियां बजा दो, इतने आएंगे लोग। तुम इधर छुपो मत भाई, सामने आओ छाती के नीचे, ये क्या गदर मचा रखा उधर पीछे चलेंगे। इधर आओ सर, ये चार पांच लाइन पेड़ के पास नहीं आने चाहिए, इनका चालान कर देना जो भी इधर आए, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखो भामाशाह वीरो, तुम्हारी वजह से देश सुरक्षित है, तो खुद के लिए एक बार जोरदार ताले बजा। आज हमें शॉर्ट में आपको रोड सेफ्टी बताएंगे तो आपकी जानें बचेंगी, ठीक है। तू जान से ही बात कर रहा दिखे, जोरदार ताली बजाओ जान। मस्ती में सीखना चाहिए ना भाई, जानवर इसलिए कहा है, जान तो वो है पर ये है सेम टू मी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, हंसते हंसते सीखते हैं ना सर, क्योंकि बत्तियां बताओ कितने तरह की होती है भाई, इधर ला रहे जल्दी। हाँ ये, हाँ यहीं से दिखाना, कैमरे को दिखाना इनको नहीं, हाँ इधर भी दिखाता है। तो सीरियस ही हो गया यार भाई, बत्ती कितने तरह की होती है, अगर तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो क्या होगा, चालान का बड़ा ध्यान। तीन तरह की बत्ती नहीं होगी तो चौथी बत्ती जलेगी अगरबत्ती, फिर पांचवी मोमबत्ती। बजाओ दौर से तालियां, ये बच्चियां थोड़ी सी कमजोरी से बजा रही हैं तालियां। तुम इतने उनके पीछे चली जाओ, इधर दिख नहीं रहा होगा बेटा, इधर आ जा गुड़िया। चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। आपकी वजह से, अकेली की वजह से लाइन फॉर्मेशन बिगड़ रहा है पीछे, या तीन जनी इधर से आ जाओ, बिल्कुल नजदीक हो जाओ बेटा। महिला महिला को देखो स्वीकार नहीं करती है। अगर मैं कह दूंगा ना गलती से इधर आ जाओ तो ये उधर चले जाएगा, ये मानव प्रवृत्ति है। क्योंकि जैसे अगर कोई मुर्दा भी जा रहा हो और सुंदर सी महिला दिख जाए तो वो भी वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है, इसमें बुरा नहीं मानना बेटा, क्योंकि तुम्हारी जैसी मेरी गुड़िया है, उसका नाम मैंने रखा मुस्का, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया, फिर वो 96% नंबर लगे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, पर बच्चियां बहुत स्मार्ट होती हैं, तू आगे से दिखने तो दे इनमें मैं कौन हूं। हां भाई इधर आया, थोड़ा प्रेम भाई, प्रेम के लिए जोरदार तालियां। ये ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो 22 साल से अनवरत लोगों की जान बचाने की इस मुहिम में लग रहे हैं और इनको सारे सम्मान मिल चुके हैं, जोरदार तालियां प्रेम जी के लिए। पर मैं एक चीज देख रहा हूं सर, यहां लोगों में टेंशन बहुत है, इससे इनके ललाट बड़े होके पलाट हो गए हैं। 10-12 लोगों के तो जेडी अप्रूव्ड भी हो गए हैं और वो दिन दूर नहीं जब बालों की चार दीवारी रह जाएगी और ये चश्मा लगाएंगे तो यूं लगेगा जाने मेन गेट लगाया हो। अच्छा आप ध्यान से देखना, कईयों के कान पे भी बाल है, इसका मतलब छड़े काट के आके कब्जा और कर रहा है, लेकिन इसका रोड सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। अपने को यहाँ तेज नहीं जाना, क्योंकि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। ताड़िया बनती है, अभी मेरा जगह ही नहीं है ताड़ी का, बजाओ अगले के बजाऊंगा। चलो बहुत शानदार है, टेंशन लेने से एक चीज और होती है खराब बेटा, चश्मा चढ़ता है गुड़िया, तुम्हारी आंटी के भी चढ़ा था, फिर उसने यहाँ से उतार के जब यहाँ रखा तो मैं समझ गया आंख ही नहीं इसका, आज खोपड़ा भी खराब है। तो ऐसे ही रोड में कई खोपड़ा खराब वाले लोग मिलते हैं, जोरदार ताली बजाओ यार। तो बेटे जब तुम रोड पे निकलोगी ना तो बहुत ज्यादा टेंशन वाले लोग मिलेंगे, बच्चियों को देखकर तो जोर से बजाओ तो मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ बहन बेटी कोरोना में मुंह लगा के जा रही है तो उसको भी बजाएंगे क्या, ऐसे बजा दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप तो सभ्य लोग, आप तो नहीं करते होंगे, आपके तो वैसे ही इतने कांटे पड़े हैं।
पर रात के समय कोई डाटा सूंघ के बात समझ में आए तो भी ताली बजनी चाहिए। तो आज हम दिखा रहे थे हेलमेट कैसा होना चाहिए। अरे वाह। और BIS क्या होता है? अरे वो तो होता है, लेकिन ISI का ही नाम था 1986 से पहले, 1986 से पहले ISI का नाम बदल के BIS कर दिया। उससे उसमें क्या किया उन्होंने, प्रोडक्ट के नंबरिंग कर दी। तो हेलमेट का नंबर कितने पे आया? 4151। तो ओरिजिनल हेलमेट पता तो उनके पड़ोसी से मांग के लाओ कि देना है कि नहीं देना वापिस। ठीक है। और ऐसा लगना चाहिए पूरा कवर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए जो शाहरुख खान ने पहना था ना पीला सा, दिल में मेरे दर्द है डिस्को, फिर जावड़े की हड्डी इधर को खिसको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगला बता भाई, सीट बेल्ट ये जरूर लगा लेना। सीट बेल्ट जरूरी है बेटा, जैसे अपन बेल्ट लगाते हैं ऐसे ही सीट बेल्ट जिंदगी बचाती है। बेल्ट जैसे पेंट सेट को दबाती है अच्छा लगता है स्मार्ट। सीट बेल्ट ऐसा होता है 194 एक धारा होती है मोटर व्हीकल एक्ट की, उसकी बी नंबर की ये होती है। तो बी सीटेड सीट बेल्ट याद रखो, है ना। सीट बेल्ट से अगर नहीं होगी तो एयर बैग नहीं खुलेगा, करोड़ों रुपए का हो जाएगा पैकेज। एयर बैग ही नहीं खुला तो साइरस मिस्त्री तंगिया मिलेगा मिस्त्री भी। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे से कोई नहीं बोलेगा। अगला बताओ भाई, ये देखो मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी। मोबाइल इतनी ज्यादा दुर्घटना भारत में हो रही है, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। यमराज बेचारा मुंह भी नहीं धो पाता, कपड़े नहीं बदलता, सींग लगा, इससे पहले तो सूचना महाराज जल्दी नीचे आओ। यमराज जी कपड़ा पहने, कई बार तो यमराज जी मेरा जैसा आलसी भैंस ही भेज देता है और वो भैंसा जाता है फिर सींग मर जाड़ उतरू के लिए। तो इतनी बुरी दुर्घटना में आप नहीं होने चाहिए ना बेटा। कितनी खूबसूरत मेरी गुड़िया है ऐश्वर्या राय जैसी, लेकिन अगर स्कूटी फिसल गई तो फिर कोई राय नहीं देगा। तुम क्या हंस रहे हो ऋतिक रोशन? ये टाइगर सरो अगर फिसल गए ना तो शुरू में तो यूं चलते हो आप, स्मार्ट लग रहे हो अक्षय कुमार टाइगर सरो, है ना। बाद में पता चला ऐसे चलोगे जैसे मामा सुकूनी, यहाँ हाथ लगा के भान जाए। और ट्रैफिक वाला मिल जाएगा तो भागने की जगह जान दे, वो फिर जान दे रिजल्ट दे, वो कहे जाने नहीं देंगे तुझे। ठीक है। अगला क्या है भाई? ओहो शराब बहुत खराब साहब, जिसने पी शराब ने उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो सरले सबका ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन कितनी स्पीड से कहां गया है? इतनी तेज मत चलो, एक लड़का इतनी तेज चला मूर्ति के जो अर्थी के पास लाकर चूम रोकी गाड़ी। तो एक मेरा जैसा देख रहा उसको बोले भाई इससे भी ज्यादा जल्दी है, सबका बनाऊं इससे जल्दी नहीं होनी चाहिए ना। चलो बहुत शानदार। और बता भाई कुछ? चलो साइनेज अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक शानदार कवि है किशोर पारिक जी, वो आपको कोई बढ़िया सी रचना सुनाए जो आपका मन करे। तू सिर्फ पिछवाड़े की फोटो लेते रहेगा। अच्छा कहा था